नमस्ते बच्चों, आई जे वी एन आई शुक्ला, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन ऑपरेटर्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने ये देखा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अब हम देखेंगे आज रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ओके, सो द फॉलोइंग टेबल शोज द रिलेशन ऑपरेटर सपोर्ट बाय सी। अज्यूम वेरिएबल ए होल्ड्स 10 एंड वेरिएबल बी होल्ड्स 20। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक वैल्यू लेके चल रहे हैं हम, कि ए की वैल्यू सपोज कीजिए 10 है और बी की वैल्यू क्या है 20। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो क्या होते हैं रिलेशन ऑपरेटर्स। तो यहाँ आपको टेबल में ऑपरेटर डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो मैंने आपके नोट्स में दिए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं डबल इक्वल। ओके, इक्वल इक्वल भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये दो ऑपरेंड्स के बीच की जो वैल्यूज है उनको चेक करता है कि वो दो ऑपरेंड्स इक्वल हैं या नहीं है। अगर वो इक्वल होते हैं तो कंडीशन ट्रू हो जाती है, और अगर नहीं होते हैं तो नॉट ट्रू। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ, जैसे ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू क्या है 20, ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्लिमेटरी साइन एंड इक्वल। चेक इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। इफ द वैल्यू आर नॉट इक्वल देन द कंडीशन बिकम ट्रू। ठीक है, अगर अब ये क्या करता है, ऊपर वाला जो था डबल इक्वल, वो क्या कर रहा था, दोनों की वैल्यू को इक्वल है या नहीं ये चेक कर रहा था। ये चेक करता है, सेकंड जो ऑपरेटर है वो ये चेक करता है कि इनकी वैल्यू इक्वल तो नहीं है, मतलब अगर वो इक्वल नहीं है तो जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए इसकी कंडीशन क्या जा रही है, ट्रू जा रही है। नेक्स्ट है दैट इज लेस देन। चेक इफ द वेरिएबल ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। ये आपने भी नॉर्मली पढ़ा होगा 12th में, ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन। तो ये क्या चेक करता है कि इसकी वैल्यू ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है या छोटी है, मतलब लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड के वेरिएबल से बड़ी है या छोटी है। अगर वो बड़ा होता है तो वो ट्रू होता है, और अगर नहीं होता है तो फॉल्स होता है कंडीशन। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू तो लेस देन है बी से, तो इसलिए ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है। देन उसके बाद आता है ग्रेटर देन। ठीक है, ये भी क्या करता है, लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू से ग्रेटर देन है या नहीं है। ओके, तो ये इसमें क्या हो रहा है, ग्रेटर देन तो है, बी की वैल्यू 20 है, तो दैट्स व्हाई ये क्या हो गई, ट्रू हो गई इसकी कंडीशन। नेक्स्ट है ग्रेटर इक्वल, और उसके बाद है लेस लेस इक्वल, मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर इक्वल मतलब बराबर या बड़ी तो नहीं है। अगर बराबर या बड़ी होती है तो कंडीशन ट्रू हो जाती है, नहीं तो फॉल्स हो जाती है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन ऑपरेटर की वैल्यू क्या हो रही है, ट्रू नहीं हो रही है। देन नेक्स्ट वन है लेस एंड इक्वल, मतलब अगर लेस है और इक्वल है तो कंडीशन ट्रू होती है, दोनों ही कंडीशन इसमें बैठती है। तो ये आपके क्या होते हैं, रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं, जो क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं किसी भी दो ऑपरेंड्स के बीच में। ओके, सो दैट इज अवर रिलेशन ऑपरेटर। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।